कोरोना से देश के कई राज्य बुरी तरह से प्रभावित हैं। महाराष्ट्र और पंजाब में भी कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब राज्यों के बीच लोगों के आने और संक्रमण के डेटा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पंजाब में नांदेड़ साहिब से लौटे श्रद्धालुओं पर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित श्री हुजूर साहब से लौटे श्रद्धालुओं के लगातार कोरोना पॉजिटिव आने को लेकर पंजाब में सियासत गर्माती जा रही है। 3 दिन में 297 श्रद्धालु पॉजिटिव आ चुके हैं। नांदेड़ साहिब से करीब 4000 श्रद्धालु वापस आए हैं। इसके साथ साथ पंजाब में बाहर के राज्यों में काम करने वाले मजदूर और राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाले छात्र भी पंजाब में पिछले दिनों लौटे। इन सबको मिलाकर बाहरी राज्यों से पंजाब पहुंचने वालों का आंकड़ा करीब 8000 से ज्यादा पहुंच चुका है। लेकिन पंजाब में नांदेड़ साहिब को लेकर सियासत तेज हो गई है। जब केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में फंसे श्रद्धालुओं को वापस लाने के लिए हरी झंडी दी, तो इस क्रेडिट वॉर में हर पार्टी ने अपनी सियासी रोटी सेकी, श्रद्धालुओं को लेकर सियासत की। लेकिन जब ये श्रद्धालु पंजाब में पहुंचे तो बिना स्क्रीनिंग के इन्हें घर जाने दिया गया, जिसके 48 घंटे बाद तरनतारन में श्रद्धालुओं से जुड़ा पहला मामला पॉजिटिव आया और तब राज्य सरकार के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में राज्य सरकार ने आदेश जारी किए कि जितने भी श्रद्धालु या बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए और सबको आइसोलेट किया जाए। नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं का संक्रमित आंकड़ा 297 पहुंच चुका है। अब पंजाब सरकार पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। मैं देखो पूछता हूं, मुझे वो कोई सर्टिफिकेट बता दे गुजरात मध्य प्रदेश की लैब का, जहां से उनको नेगेटिव, महाराष्ट्र का जहां से उनको नेगेटिव सर्टिफिकेट मिला है। मेरे सोच में, मैंने भी जो पता किया वहां से, कोई टेस्टिंग लैब की नहीं हुई, सिर्फ उनका टेम्परेचर टेस्ट किया गया। दूसरी तरफ पंजाब आम आदमी पार्टी से सरकार का फेलियर बता रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे पिछले 2 दिनों में तकरीबन 300 के करीब केसेस पंजाब में कोरोना पॉजिटिव और नए पाए गए हैं, जिनमें बहुत गिनती जो नांदेड़ साहब श्री हजूर साहब से जो श्रद्धालु वापस आए हैं, मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन को हैंडल करने में पंजाब सरकार ने बहुत बड़ी लापरवाही और गलती की है। क्योंकि जिस तरीके से उनको आते ही सीधा घरों में बिना चेकअप, बिना टेस्ट के भेज दिया गया, सिर्फ टेम्परेचर चेक करके, ये बहुत बड़ी अनगहली है, बहुत बड़ी गलती है, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अगेंस्ट है। पंजाब में लगातार सामने आ रहे कोरोना मामलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर नांदेड़ से चलने से पहले सभी श्रद्धालु ठीक थे, तो बठिंडा में ग्रीन जोन में दाखिल होने पर उन्हें कोरोना ने चपेट में कैसे ले लिया। इतना ही नहीं, नांदेड़ ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं है, जबकि नांदेड़ महानगर पालिका क्षेत्र में सिर्फ 3 पॉजिटिव केस है। तो चूक कहां हुई जो इतने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आशंका यह भी है कि नांदेड़ से पंजाब लौटते समय श्रद्धालु जहां कहीं रास्ते में रुके हैं वहां से पीड़ित हो गए हों। इंदौर में श्रद्धालुओं के लिए श्री गुरु सिंह सभा ने लंगर की व्यवस्था की थी। सभा के प्रधान का कहना है कि लंगर के लिए पूरी सतर्कता बरती गई थी, लेकिन अब जिस तरह मामले सामने आ रहे हैं उसने पंजाब में हड़कंप मचा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।